इसी तरह जो है रोजे की हालत में दांत साफ किए जाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह मिसवाक करते थे तो इससे वो नहीं होता। टूथब्रश भी इसके अंदर किया जा सकता है, बगैर पेस्ट से करें तो अच्छा है, या ऐसा जो है पेस्ट का इस्तेमाल करें जिसमें जायका ना हो तो ये अच्छी बात है, जिससे जायका नहीं। तो हमारे टूथपेस्ट तो मिंट वाले अलग अलग फ्लेवर के आते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है, तो ये चीज़ें वो नहीं। अगर सादा पेस्ट हो तो उससे कर सकते हैं या फिर सूखे ब्रश से उसको किया जा सकता है। इस तरह जो है कई लोग हैं जो दांत साफ ही नहीं करते, दांत साफ ही नहीं करते लोग, जबकि ये तो हमको कहा गया दांत साफ करते अल्लाह के रसूल मिसवाक करते थे बार बार, लेकिन कई लोग इतने जो है दांत उनके पहले ही सड़े हुए वो सड़ा लेते हैं, लोग वो बदबू से परेशान करते, नहीं वो अल्लाह ने कहा ना कि अल्लाह के रसूल पाएंगे अल्लाह के मुँह की बदबू जो है सबसे ज़्यादा प्यारी है रोज़ेदार की मुँह की, तो वो उसको बदबू को बना के रखते हैं, वो ज़्यादा बदबू अल्लाह को पसंद है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दांत को साफ भी रखना चाहिए, मखलूकात भी उसके अंदर ध्यान रखें, तो बिलाशुबा ये तो सही है कि अल्लाह जो वो बदबू कहाँ से आती है कि इंसान कुछ खाता नहीं, पेट सब खाली रहता है, इसकी वजह से उसको बदबू हो जाती है।